हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैगी की एक ऐसी रेसिपी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये रेसिपी मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है मैगी में कुछ अलग से हर्ब्स और सूप्स का टेस्ट लाने के लिए। आई होप आपको ये मैगी की रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक बर्तन रखकर गैस को ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें 4 कप पानी डाल देते हैं। अब इसमें 2 पैकेट मैगी मसाला टेस्ट मेकर भी डाल देते हैं। मैंने इसमें अलग से 1 टीस्पून और मैगी मसाला डाला है। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून सोया सॉस भी डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सेजवान चटनी भी डाल देंगे मैगी में थोड़ा सा स्पाइसीनेस लाने के लिए। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून मेयोनीज भी डाल देंगे क्रीमी एंड स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस भी डाल देंगे थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सूखी हुई पुदीना की पत्ती को क्रश करके डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल देंगे। इन सबको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम 2 मैगी को इसमें ब्रेक करके डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हमें मैगी को हाई फ्लेम पर ही बॉईल करना है। लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और मैगी भी बॉईल हो गई है और जो पानी हमने डाला था वो भी बढ़िया से थिक सूप जैसा बन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मैगी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी बढ़िया सूपी मैगी बनकर तैयार है। अब प्लीज़ आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें। मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल राना सरसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बना हुआ है इसको भी प्रेस कर दें जिससे मैं जब भी कोई नई रेसिपी लेकर आऊं तो आप सभी को मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।